नमस्कार दोस्तों, परिचय इस मालिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं लियोनार्डो दा विंची के बारे में। इटली वासी महान चित्रकार, आविष्कारक, संगीतज्ञ, मूर्तिकार, वैज्ञानिक, निरीक्षक, शरीर रचना वैज्ञानिक, भवन डिजाइन विशेषज्ञ, डिजाइनर और नगर नियोजक थे। अपने समय में उनका नाम बहुत प्रसिद्ध था और लोग उनकी बहुमुखी प्रतिभा का लोहा मानते थे। उनकी इसी बहुमुखी प्रतिभा के कारण उन्हें यूनिवर्सल मैन की उपाधि दी गई थी। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के प्रसिद्ध शहर फ्लोरेंस के निकट विंची में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे और माँ विंची की ही किसी सराय में कभी नौकरानी रही थी, लेकिन उसके इतिहास के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची की माता ने वकील साहब के अवैध पुत्र को जन्म दिया था। अपने पुत्र को अपने उसके पिता को सुपुर्द कर उस महिला ने किसी भवन निर्माता से विवाह कर लिया था। लियोनार्डो दा विंची का बचपन अपने दादा के घर में ही बीता था। सन 1469 में लियोनार्डो दा विंची के पिता उनके साथ फ्लोरेंस आ गए, जहाँ पर उनकी चाची ने उनकी कई वर्षों तक देखभाल की थी। फ्लोरेंस में ही उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई थी। स्कूल से ही लियोनार्डो दा विंची की प्रतिभा सामने आने लगी थी, जबकि गणित की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का समाधान वह चुटकियों में ही कर लेते थे। सन 1482 में उन्होंने विविध विषयों में शिक्षा प्राप्त कर ली थी। सन 1466 में जब वो केवल 14 वर्ष के थे, तभी अचानक उनके मन में मूर्तियां बनाने का शौक उभरा था। इस आयु में उन्होंने ऐसी मूर्तियां बनाई जिनकी सभी ने प्रशंसा की थी। जब उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी, तब उनके पास आय का कोई साधन नहीं था। सन 1482 में ही उन्होंने मिलान के ड्यूक को अपनी व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने हेतु पत्र लिखा। ड्यूक ने लियोनार्डो दा विंची को अपनी सेना में इंजीनियर के पद पर रख लिया। वहां पर लियोनार्डो दा विंची ने ऐसे हथियारों के डिजाइन तैयार किए जो युद्ध में काफी उपयोगी सिद्ध हुए। शरीर रचना विज्ञान में विशेष रुचि रखने वाले लियोनार्डो दा विंची मिलान में रहते हुए उन्होंने अनेक सड़कों, भवनों में गिरजाघरों और नहरों के डिजाइन तैयार किए थे। जब सन 1999 में लियोनार्डो दा विंची पेरिस आए, तो उस समय तुर्की के साथ युद्ध चल रहा था। वहाँ उन्होंने युद्ध संबंधी आविष्कार प्रस्तुत किए थे, लेकिन ड्यूक को शायद उनमें से कोई पसंद नहीं आई थी। अंततः ड्यूक के लिए उन्होंने 1495 में अपनी द लास्ट सुपर पेंटिंग बनाना आरंभ किया, जो 1497 में पूरी हुई। मिलान में रहते हुए उनकी रुचि शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी में जाग उठी थी, जिसके कारण वो उस जमाने में मशहूर डॉक्टरों के पास गए ताकि मुर्दों की चीरफाड़ अपनी आंखों से देख सके। इसी कारण उन्होंने मानव शरीर के अंग अंग का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया था। ऐसे तो लियोनार्डो दा विंची के बारे में बहुत सारा कहा जा सकता है मित्रों, मैं आज यहीं पे रुकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।